जी का माइक बंद हो गया ये कहकर वो चली आई बैठक। देखिए मैं बिल्कुल 5 मिनट से ज्यादा बोलने के लिए मौका नहीं दिया वहां पर। हाँ। रह गया शहजाद पुनावाला जी बोले थे, हम सोचे थे बहुत जानकार इंसान है हम सोचे थे, लेकिन 2014 में पेट्रोल का कीमत कितना था आज कितना हुआ है, आज सीमेंट का कीमत कितना था 2014 में 60 रुपया था, आप पेट्रोल की कीमत 104 रुपया होगी। अगर उस तरह से बजट भी तो बढ़ेंगे ना, जब महंगाई होएंगे महंगाई के साथ बजट भी बढ़ना पड़ेंगे। अब महंगाई के साथ में बजट कम होता है घटता है क्या? हम तो इतना नहीं सोचा था शहजाद पुनावाला जी ऐसे बेकार बात बोलेंगे, इतना बढ़ा दिया गया इतना ये कर दिया। बजट जैसे बढ़ता है आप सुनिए, जैसे महंगाई होता है महंगाई के ऊपर में बजट बढ़ता है। अभी चावल का कीमत कितना था उस समय 22-23 रुपया कीमत था, आज 40-45 के नीचे कोई चावल नहीं है। दे रहा हूं, दे रहा हूं। गेहूं का कीमत कितना था, गेहूं का कीमत बढ़ चुका है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से बजट भी तो बढ़ेगा। और शहजाद जी आपको जवाब ले रही हूँ, लेकिन संजय जी इस महंगाई की वजह से 10 सेकंड समय दीजिए, इस महंगाई की वजह से कांग्रेस कह रही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पश्चिम बंगाल में। 10 सेकंड समय, 10 सेकंड समय दीजिए सुचरिता जी। आप शहजाद जब बोलते तब नहीं टूकता, तब हम बोलते टूकने चालू करते। बोलने दीजिए, हम बोलने चाहते हैं। जब शहजहान से कई घटना घटा था वहाँ का महिला लोग खुद आके बोला था ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लानिंग था, वो लोग जो बलात्कार का जो केस किया था वो लोग केस विथड्रॉ कर लिया था, हम लोगों से ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है। और ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये ज्यादा हो गया। संजय जी, अधिकारी एक एक महिला को दो, बहुत संवेदनशील मामला है, उसको ऐसे मजाक मत बनाइए। संदेश खाली का मामला है प्लीज, इसको ऐसे मजाक मत बनाइए कि वो लोग वापस आ गए और कहा ये तो कराया गया था, ये सब मत करिए प्लीज। महाराष्ट्र के बारे में बोले थे, बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं चाहिए प्लीज। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात, समस्या ये है सुचारिता। हाँ शहजादी जवाब दे दीजिए आप। सुचारिता सबसे पहले तो संदेश खाली के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्या मजबूरी है कि शाहजहां शेख को बचा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल। दूसरी बात, 2014 में हमारा जो इकोनॉमी था वो $2 ट्रिलियन का था, तब बंगाल को 21,000 करोड़, आज $4 ट्रिलियन हुआ है, मतलब दुगना हुआ है। तो बजट बंगाल का डबल नहीं, मोदी जी ने बजट 300 गुना बढ़ाया है, 300%, मतलब कि बंगाल को आज 93,000 करोड़, 40-50 हजार नहीं 93,000 करोड़। इतना हम प्यार करते हैं बंगाल को, पर बंगाल को कौन प्यार नहीं करता जो बांग्लादेश के और रोहिंग्याओं को वहां पर बसाना चाहता है और बंगाली लोगों को निकालना चाहता है। या अधीर रंजन क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आप लोग सारे विषय उठाते रहते हैं ना, संविधान, किसान, अधीर रंजन का प्रवक्ता। एक बार काका जी, एक बार अधीर रंजन का प्रवक्ता। हाँ नहीं, आप किसके प्रवक्ता, आप शाहजहां के प्रवक्ता है, और अधीर रंजन चौधरी तो कांग्रेस में है, सोनिया गांधी और खड़गे जी ने निकाल दिया क्या? वरुण पुरोहित बता दीजिए, वरुण पुरोहित आज तो अधीर रंजन जी का कितना बदनामी हो रहा है, और आप तो उनको बचाव भी नहीं कर रहे। ये तो अजब बात है कि ममता दीदी को सब सम्मान दे और ये अधीर रंजन चौधरी को सरेआम चैनलों पर बेइज्जत करे। क्या है पार्टी में, वरुण जी कुछ समझ नहीं आता है, वो इतना खटाखट आरोप लगाते रहते हैं, आप लोग उसी तरह खटाखट खारिज करते रहते हैं, समझ नहीं आता उनकी स्टैंडिंग क्या है पार्टी में। वरुण जी, सुचारिता जी पिछले सदन में वो नेता थे, स्टैंडिंग तो उनकी अच्छी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने आप कहा ना, मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ बोलते, सब अपने अपने हिसाब से विचार से बोलते हैं। अभी शहजाद भाई बार बार बोल रहे हैं भाई वरुण जी क्यों नहीं बोल रहे, भाई देखो बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, किसी की मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, और मैंने मेरे हिसाब से बता दिया भाई, किसी के लिए भी शाब्दिक रखना चाहिए किसी के लिए, चाहे शहजाद भाई के लिए बोलो, चाहे अधीर आपके लिए बोला तो भी मैंने कहा कि भाई गलत है, और अधीर रंजन जी के लिए बोलो तो भी गलत, ममता जी के लिए बोलो तो भी गलत। आप डिबेट करो अपने शाब्दिक आचरण अपने, आपके पास में डेप्थ होनी चाहिए शब्दों की, आपको क्या जरूरत है किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना। जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हो, मैंने आपको कई बार कहा सुचारिता जी सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मैंने अभी भी कहा विपक्ष में सिर्फ पिछले कुछ सालों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई पैन इंडिया आंदोलन नहीं है, उसके बावजूद बता दीजिए क्या इस वक्त और ये मैं ओपन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इस वक्त इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, इसे लेकर हर कोई अपना एक 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 दावेदारी पेश करना चाह रहा है। देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं उसके बाद अखिलेश जी पूरे फुल फॉर्म में हैं, वो तंज भी कस रहे हैं, चुटकियां भी ले रहे हैं, हर चीज पर हमला कर रहे हैं, तो वो एक दावेदारी उनकी बन रही है। फिर ममता दीदी आती है दिल्ली, वो भी एक दावेदारी पेश करती है। राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विपक्ष का चेहरा बताती आई है, कौन नेता? सुचारिता जी अलायंस का मतलब ही एक सामूहिक
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर ये कलेक्टिव कहाँ है, कहाँ है कलेक्टिव? क्या बोलते हैं कलेक्टिव? ये कलेक्टिव नहीं है, सुनना, ये कलेक्टिव नहीं है। वरना अधीर रंजन एक डायरेक्शन में, ममता दीदी अलग डायरेक्शन में, ये नहीं है कलेक्टिव। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए मेरी बात तो सुन लो आप। वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ। सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की, तो सबका अपना अपना रोल है। अब आप कैसे कह दोगे पैन इंडिया पार्टी है काका जी, आप सिर्फ यूपी तक सीमित है, मत बोलिएगा अगली बार तीसरे नंबर की पार्टी है, पैन इंडिया है वो, याद रखिए इस बात को। आप कैसे कहते हैं आपके नेता और आपकी पार्टी यूपी तक सीमित है, याद दिला दिया वरुण जी ने। देखिए ये तो जनता तय करती है कौन क्या है, और वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उसको हमें नकारने में क्या क्या बुराई है, इसमें क्या विवाद है? लेकिन हमारे वो गठबंधन में महाराष्ट्र की सीटों पर डील हो गई, उपचुनाव के लिए भी हो गई, सहधर्मी है, साथी है। सवाल यह है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में सुचारिता, आप जान लीजिए 10 सीटों पर उपचुनाव है। हाँ। आपकी जो रिसर्च टीम नहीं बताई होगी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। हाँ। जो 10 सीटों पर चुनाव है उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पे ऑलरेडी बढ़त है, और कितने से सात सीटें आपने बोल दिया, मतलब समाजवादी पार्टी 7 पे लड़ेगी, कांग्रेस को आप 3 देंगे, 2 देंगे या 1 भी नहीं देंगे, ये भी बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से। अरे आप लड़ रहे हैं, आपने मान लिया, अब मैं जिस तरह से 2 या 1 भी नहीं, जिस तरह से अभी 13 सीटों के चुनाव उपचुनाव समाजवादी पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस सब सीटें जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। चलिए 7 तो आपने मान लिया है, अब कांग्रेस सोच ले उन्हें 3, 2, 1 किस पे लड़ना। शरा जी